हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है हरियाणा वालों के लिए। वो क्या है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एग्जाम की यानी हरियाणा पीसीएस की ऑफिशियल आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली है और उसी को लेकर मैंने आप लोग के लिए क्लास डिजाइन की है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़े एग्जाम होते हैं उसमें बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, उनके डेडिकेशन में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है जब वो बच्चे एग्जाम देके आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि सर हम अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए, सर हमें तो पता ही नहीं था इस बुक से क्वेश्चन आते हैं, वरना हमने तो ले ली होती, सर हमें यह तरीका तो पता ही नहीं था। ये ऐसे जितने सवाल हैं उन सब का सलूशन आज के क्लास में आप लोग को मिलने वाला है। तो ध्यान रखेंगे, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है आप लोग के लिए, जिसमें मैं एग्जाम के नोटिस से लेकर सिलेबस तक की डिटेल चर्चा करूंगा। और इसका अप्रोच ये रहेगा कि आप लोग को एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है। ज्यादातर बच्चे इसमें गड़बड़ ये कर देते हैं, वो मेहनती तो होते हैं लेकिन वो सही डायरेक्शन में अपनी मेहनत को यूटिलाइज या डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए कई बार उनका रुक जाता है। सबसे बड़ी रुकावट क्या है? किताबें। मार्केट में बिकने वाली बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो बच्चों के लिए सुसाइडल अटेम्प्ट जैसी होती हैं, यानी खुद के लिए आत्मघात होती है। इसलिए इस क्लास में मैं वो सभी अप्रोच आप लोग को बताऊंगा जिससे आप बचते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं हम लोग कैसे यहां पे अप्रोच करेंगे। आप देखिए, पहली बात तो अरिहंत ने आप लोग के लिए एक मास्टरी बुक निकाली है हरियाणा पीसीएस के लिए, जिसमें आपके सॉल्व पेपर के साथ साथ मॉक भी दे रखे हैं। अब मॉक का क्या इंपॉर्टेंस है ये आप मुझसे बेटर समझते हैं। कैसे? आप में से बहुत से बच्चे हरियाणा की तैयारी भी कर रहे होंगे और बहुत से बच्चे इसमें यूपी पीसीएस हरियाणा दोनों कर रहे होंगे। तो आपने देखा होगा बहुत से यूपीएससी के भी कर रहे होंगे। तो ध्यान रखेंगे, जब आप एग्जाम के समय जाते हो तो जो बच्चे अधिक से अधिक मॉक लगाते हैं उनको ये आइडिया होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उस 2 घंटे के प्रेशर को हमें कैसे एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, यानी प्रेशर को हैंडल करने की क्वालिटी। इसका मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूंगा। अभी आप लोगों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा होगा, पूरे वर्ल्ड कप में हमारी टीम ने नो डाउट शानदार खेला। फाइनल मैच में भी जब तक रोहित शर्मा खेल रहे थे तब तक कहीं भी आपको नहीं लगा होगा कि इंडिया पे कोई प्रेशर भी है, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए आपको पता लग गया कि इंडियन टीम पे प्रेशर क्या है। 10 ओवर में जिस इंडियन टीम ने 80 रन बनाए थे और बाकी के बचे हुए 40 ओवर में 160 रन बना पे पूरी टीम, ये दिखाता है प्रेशर। तो उस प्रेशर को कैसे एग्जाम में हैंडल करना है उसकी बात भी हम यहां पे करने वाले। उसके लिए मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग देखिए, आपके एग्जाम में की जो नोटिस निकली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं और 21 तक भरे जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम डेट कब है बच्चों? 11 फरवरी को है, उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और देखो मेंस के लिए भी समय बहुत ज्यादा नहीं दिया है,
तो इसलिए ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड समय है। अपने आप को कमरे में पैक कर दीजिए, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किया था। तो इसलिए क्योंकि जब सफलता लेकर बाहर निकलोगे तो आपकी चमक से दुनिया चमकेगी। इसलिए इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये जो जितना समय बचा हुआ है इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका एग्जाम होता है, आपका ही मैं क्यों बोलूं, जितने भी ये एग्जाम होते हैं, जितने भी ये एग्जाम होते हैं, ये सारे जो एग्जाम होते हैं इनमें तीन फेज होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, जैसे चार स्टेटमेंट वाले, दो स्टेटमेंट वाले, चार ऑप्शन वाले, इस टाइप के। जब आप इस परीक्षा को पार कर लेते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीएस पेपर, एक होता है सी सेट। और सी सेट की हालत क्या है वो मुझे बताने जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा आप लोगों के लिए कि केवल जीएस जीएस पढ़ते रहिए, सी सेट को एग्जाम के 10 दिन पहले देख लेना। नहीं, इस समय जैसे दो दिन पहले ही, ठीक है, यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया। अगर जिन बच्चों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया होगा उन्हें यह अच्छे से पता होगा, इस बार के सी सेट ने अच्छे अच्छे धुंधरों को बाहर कर दिया। और जो बच्चे केवल सी सेट पार्ट से, उन्होंने लगभग मेंस लिखा, बहुत 60% ज्यादा बच्चे केवल सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो सोचिए, भीड़ तो वहीं पे छट गई। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सी सेट को बिल्कुल अंडरलाइन मत लीजिएगा, ठीक है, उसको ओवरलुक मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा उस पर अभी से। और उसके साथ साथ टॉपिक को ऐसे पढ़िएगा, जैसे देखिए मेंस और पीटी के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस अप्रोच का फर्क है। जब अभी से आप इस अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो मेंस के टाइम आपको केवल सब्जेक्टिव हो जाना पड़ता है। जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, चार ऑप्शन वाले, वही मेंस का पेपर सब्जेक्टिव होता है। तो आपको लिखना है, इसके बाद इंटरव्यू। देखो, इंटरव्यू लाइफ के लिए बहुत मैटर करता है। बहुत से एस्पिरेंट मुझसे बात करते, सर कहते सर इंटरव्यू में मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कैसे अप्रोच करना है, वहां जाते पसीने आते हैं, कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है। इसकी वजह क्या है, प्रेशर, ठीक है। और सही से इसीलिए कहा जाता है इंटरव्यू की तैयारी भी होनी चाहिए। ये इंटरव्यू कोई आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। एज ए एसडीएम, एज ए तहसीलदार, एज ए डिप्टी एसपी, आप कैसे काम करोगे, उन प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, वही तो प्रेशर है ना। जैसे एक बार का मैं किस्सा बताऊं, इंटरव्यू जिस समय, जिस पैनल में मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी में, उसी में एक लड़के का और था। जब निकला तब उसने बोला, इतना हड़बड़ाया हुआ लड़का था वो, कि गलती से उसके पैंट में, यू फॉर्मल पहनते हैं वहां पे, रुमाल निकला हुआ था, ठीक है। और जैसे ही बोर्ड के अंदर घुसा पैनल के सामने, तो बोर्ड में बोला, व्हाट इज दिस, प्रेशर में था ही, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है, दिस आर प्रोवर्ब, यानी उसकी, उसने अपनी कमी को भी अपनी पर्सनालिटी से ढक दिया। ये स्टाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी कई बार एग्जाम देने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पे लोग, क्योंकि एग्जाम अक्सर गर्मियों में होते हैं, तो लोग हाफ निक्कर या हाफ पैंट पहन के, बरमूडा पहन के एग्जाम देने आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आपका टारगेट सेट होना चाहिए और टारगेट हिट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी आपके लाइफ में है।
एक किस्सा और बताऊंगा इंटरव्यू को लेकर। जैसे उस समय बहुत पुराना इंटरव्यू है, क्योंकि इंटरव्यू में जो आप पढ़ते हैं सुनते तो वो बहुत कुछ आपको सिखाता है। उस समय इंडिया पाकिस्तान के संबंध, जैसे आज भी हमारे संबंध पाकिस्तान इंडिया से हमेशा वॉलेटाइल रहते हैं, उस समय भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। तो एक बोर्ड मेंबर ने पूछा कि आप इंडिया पाकिस्तान के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हैं। तो बच्चे ने मुस्कुराया और जवाब दिया, मुस्कुराते, सर मैं क्या बताऊं, जो बताऊंगा आप पहले से जानते होंगे, कुछ नया थोड़ी उसमें हुआ है। पूरा पैनल हंस पड़ा और उस बच्चे को उस समय 186 मार्क्स मिले थे और उसने आईपीएस उसका सिलेक्शन हुआ था। सोचिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो कहते हैं बोर्ड उसके लिए भी तैयार रहता है, लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं उसी की बात कर रहा हूं, यहां बताने का, यहां रुकने का पर्पस यही था, ठीक है। आगे आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए, देखिए पहला जनरल पेपर हो जाएगा जीएस का, दूसरा हो जाएगा आपका सी सेट, ये हो जाएगा प्लिम्स का, ठीक है। सेम यूपीएससी का पैटर्न है, 100 मार्क्स का इसमें हो जाएगा, 100 का वो, बस क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज जाएंगे। जैसे यूपीएससी होता है 100 और 80, ठीक है, वो वही पैटर्न यहाँ पर भी है। तो इसमें इस पे कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें जीएस की जो शुरुआत करनी है आप लोगों को कोशिश करनी है एनसीईआरटी की बुक को से अप्रोच कीजिए। क्योंकि अब मैं बताऊंगा, अब बहुत समय नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी नो डाउट बेस्ट होती है, लेकिन इनिशियल फेज के लिए अच्छी होती है, लेकिन अब एग्जाम को बहुत समय नहीं बचा है, तो इसलिए एनसीईआरटी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। क्योंकि एक ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी तो है नहीं, हिस्ट्री की भी है, ज्योग्राफी की भी है, पॉलिटी की भी है, साइंस की भी है, काफी है, तो उसमें सब में हम नहीं कसते। फिर तो पता लगा 6 महीने हम एनसीईआरटी पढ़ते रह गए, तो अब वो टाइम एनसीईआरटी का नहीं है। अब क्या है, अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी या सविंदर सिंह की बुक ले सकते हैं, या जीसी लियोंग को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये अच्छी बुकें हैं। हिस्ट्री के लिए आप सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, तो 11th-12th की एनसीईआरटी केवल पढ़ लीजिए, उसके साथ साथ आप पढ़ सकते हैं इसके लिए ये एक्सपेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं आप, काफी अच्छी बुक है। साइंस की बुक पढ़ सकते हैं, अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक आती, प्रैक्टिस आता, उसको देख सकते हैं आप। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, इस समय एक्सपेरिमेंट करने का समय आपके पास नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि नोटिस आ चुकी है, एग्जाम फरवरी में है, तो बहुत ज्यादा 3 महीने में आप बहुत कुछ नया नहीं कर सकते। अगर आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे मॉक लगाइए, रिवीजन कीजिए, और जो स्टैंडर्ड बुक हैं, रिफरेंस बुकें हैं, उनके सेलेक्टिव टॉपिक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अब देखिए, मैंने यहां पर सिलेबस को डिजाइन किया आप लोग के लिए, कि अगर आप एज ए स्टूडेंट अभी नए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि जिन्होंने जो आज से शुरुआत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं सकता, हो सकता उनका हार्डवर्क बहुत ज्यादा हो, तो हर हार्डवर्क करने वाले को डेफिनेटली सैल्यूट होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, हम जो सिलेबस को लेके चलेंगे, ठीक है, यहां पे देखेंगे एंशियंट इंडिया में जो सिलेबस है उसमें हम लोग इंडस सिविलाइजेशन, इन पे क्वेश्चन आता ही आता है, एक क्वेश्चन यहां समान के लिए, ठीक है, वैदिक से भी क्वेश्चन आते हैं, वैदिक कल्चर, ठीक है, वैदिक लेटर वैदिक, इन सब से क्वेश्चन आते हैं,
जैना बौद्धिज्म से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट टाइप के, ठीक है। मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्य को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस में पोस्ट मौर्य में ठीक है आ गया, जो छोटे छोटे रूलर थे उनको इग्नोर, लेकिन मौर्य पढ़िएगा, मौर्य से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। गुप्ता जिसे गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बोलते हैं, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। एंशिएंट के लिए ठीक है अलग से बुकें आती हैं, अरिहंत की बुकें भी आती हैं उसके अलावा, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा मैं एक चीज बता दूं, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक सब में होती है। इसका बहुत सिंपल तरीका है, अगर डाउट है तो टीचर से पूछ लीजिए, टीचर्स नहीं तो गूगल से सर्च कर लीजिए, कई तरीके होते हैं। लेकिन जहां पे क्योंकि आप पढ़े रहेंगे तो डाउट को आप इजिली पिक कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हम लोग। अब देखिए मेडिवल इंडिया में, मेडिवल से इस समय क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में हम प्री एज्यूम नहीं कर सकते, हम उन्हें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे यूपीएससी के बारे में लोगों ने प्रिडिक्ट कर लिया था कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन नहीं आते, जर्नल साइंस से नहीं आते, देखिए दो साल से पूछ रहा है, तो इसलिए ज्योग्राफी से नहीं आएंगे, आ गया। करंट अफेयर से नहीं आता था, अचानक पूछ लिए गए। तो आप ऐसे ही स्टेट पीसीएस मान चलिए, अपने आप से एज्यूम कुछ भी मत कीजिए कि सर ये आ सकता है ये नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, डेली संतुलन, ये अपने आप में एक लाइन है, एग्जाम बहुत सारे रूलर हैं, जैसे ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन है, बलवन है, ग्यासुद्दीन है, ठीक है, खिलजी हो गया, सैयद हो गया, काफी सारे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बंच है, ध्यान रखेंगे, ये एक सद्देश है। तो एक एक बारे में थॉरली कर लेंगे, तो अभी भी एक चीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने अभी एक साल से एलिमिनेशन मेथड वाले क्वेश्चन कम कर दिए, लेकिन बिलीव कीजिए अभी भी स्टेट पीसीएस में, चाहे आप हरियाणा पीसीएस दीजिए, चाहे आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, सब में एलिमिनेशन मेथड चल रहा है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में काफी सहायता मिल जाएगी, ठीक है। तो एलिमिनेशन की क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सूफिज्म, ठीक है, रिलीजियस मूवमेंट, नॉर्थ इंडिया में क्या था, साउथ इंडिया में कौन थे, इनके शंकराचार्य का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, तुकाराम कौन थे, मीराबाई, ठीक है, सूरदास, इन सब के बारे में। विजयनगर, ये एम्पायर के बारे, ये हालांकि यूपीएससी में देखा जाए तो उसमें आर्ट एंड कल्चर में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लीजिएगा और क्वेश्चन को 360 डिग्री देखिएगा। जैसे अभी कितने रुपए के कॉइन पर हम्पी के टेंपल दे रखे हैं, तो 50 रुपीस, तो ये सारी चीज बताइए। अब मुगल एम्पायर के बारे में आते हैं, मुगल अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत डेप्थ है, ठीक है, तो इसके बारे में थॉरली एक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप पहले, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग इस टॉपिक को पहले से पढ़ चुके हैं, आपके लिए नया इसमें कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे 6 महीने 1 साल से, कि जैसे ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन निकालेगा, ठीक है, हमारा तो जी होना है। तो ऐसे, और जो नए भी हैं उनको बस मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में अगर डेडिकेशन है तो आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो वही चीज यहां पे है कि आपकी मेहनत पे सब कुछ डिपेंड करता है। मराठा पे
अक्सर क्वेश्चन आता है क्योंकि एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है मराठा, कौन सा ट्रीटी थी, उनके पेशवा कहां बैठते थे, ये सारी चीजें यूरोपियन, इन पे क्वेश्चन बीच में कम हो गए थे लेकिन आ सकते हैं। मतलब ये बताने का पर्पस ये है कि दिमाग में रख के चलेंगे कि किस टॉपिक पे हमें फोकस ज्यादा करना है, किस पे कम करना है। बुक की बात करेंगे तो एसएस पांडे की बुक पढ़ सकते हैं आप इस पे, ठीक है। आप स्पेक्ट्रम की बुकें आती हैं इस पे, टाटा मैग्रा की आती है, लेकिन मैं कहूंगा एक ही, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप इसको प्रिफर कीजिए 11 12th की, इसके बाहर कुछ मत पढ़िएगा। अच्छी बुकें हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ब्रिटिश पॉलिसी, इन पे क्वेश्चन कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है और अक्सर कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, ठीक है, उन्होंने इंडिया का, इसी में आता है आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये पूछ सकता है, किसने दिया, दादा भाई नेहरू जी की, उनकी किस बुक से ये लिया गया है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कब पब्लिश हुई थी, 1901 में हुई थी। तो कई सारे फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, फर्स्ट इनकम, ट्राइबल अपराइजिंग मूवमेंट बहुत सारे हैं, मुंडा है, पागलपंथी है, बहावी है, कई सारे हैं, अहमदिया मूवमेंट, कई सारे मूवमेंट है इसमें, ठीक है, गवर्नर जनरल, देखो सारे गवर्नर जनरल मत पढ़ना क्योंकि वो अपने आप में बहुत बल्कि हो जाएगा। यहां पे करना क्या आप लोग को है, जो सेलेक्ट, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी पढ़ना ही पढ़ना है, कैनिंग पढ़ना ही पढ़ना है आपको, माउंटबेटन पढ़ना ही पढ़ना है, मेयो पढ़ना है, ऐसे जो फेमस है, लॉर्ड क्लाइव पढ़ना ही पढ़ना है, कॉर्नवालिस जो फेमस है, जिनका इंडिया के मॉडर्नाइजेशन में, डेवलपमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है, हम उनकी बात कर रहे हैं, सबको नहीं, कर्जन को पढ़ना है, लॉर्ड हॉर्डिंग पढ़ना है, तो और जैसे आपके और हो गए, कर्जन हो गया आपका, हार्डिंग हो गया, इरविन हो गया, ऐसे कई सारे होंगे, इनको पढ़ने में फेमस है, वो आप जब पढ़ेंगे ना वो रेफरेंस के साथ भी आते रहेंगे आप लोग को। सोशल रिलीजियस मूवमेंट, इसमें राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग, कई सारे हैं इसमें, ज्योतिबा फुले, कई सारे नाम मिलेंगे आपको उनके बारे में, और इन पे क्वेश्चन पूछेगा। 1857 रिवोल्ट, ये अपने आप में बहुत बल्कि है, इसमें इनके सोशल इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल रीजन, इसमें इनफील्ड राइफल, बेस ब्राउन राइफलें आई, कॉटेज के बारे में पढ़ेंगे, इनके सोशल फैक्टर क्या थे, इनकी दो पॉलिसियां, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, और सब्सिडरी अलायंस, उनका क्या इंपैक्ट था, ये सब देखेंगे, चपाती और कमल, वुज का सिंबल, इनके जो रीजनल सेंटर थे झांसी में कौन था, रानी लक्ष्मी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बिहार में, दिल्ली में आपके बहादुर शाह जफर, ऐसे रीजनल सेंटर, वहां पे ब्रिटिश कैंबल कहां पे थे, ह्यूरोस कहां पे थे, ये सारी चीजें। अब देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय, देखेंगे नेशनलिज्म की बात करेंगे इसमें, इससे पहले हम 1885 में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ वो देखेंगे हम इसमें, फिर इसमें हम देखेंगे मॉडर्निस्टिक देखेंगे, ठीक है, एग्रेसिव देखेंगे, इसमें कौन से थे, तो इसमें उग्रवादी कौन थे, नरमपंथी कौन थे, गर्मपंथी कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन थे, मॉडरेट कौन थे, ये सब देखेंगे हम इसमें। इसमें इनके कांग्रेस के जो सम्मेलन हुए थे वो पहला कहाँ, कितने मेंबर थे, चेयरमैन कौन थे, इनके सबसे ज्यादा सम्मेलन कहाँ पे हुए, हरियाणा में स्पेशली कौन सा कोई हुआ तो वो बताइएगा,
वहां के किस लीडर ने पार्टिसिपेट किया ये भी देखिएगा। ऐसी 1857 के रिवोल्ट में कौन वहां पे हरियाणा में लीडर कौन थे, ये सब चीजें अपने आप को कनेक्ट करके पढ़िएगा, क्योंकि आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं अपने स्टेट का, तो चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ते हुए अपने स्टेट की बातों से कनेक्ट करके पढ़ना सीखिएगा, इससे आपके लिए काफी आसान रहेगा। इसके बाद 1927 से लेकर 47 तक बहुत सारे मूवमेंट इसमें हुए। इससे पहले हम देखेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, फिर सिविल डिसऑबेडिएंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऐसे बहुत सारे हैं आपको। इसके अलावा बहुत से मिसलेनियस टॉपिक, ये मैंने आपको हल्का सा ब्रीफ कर दिया सिलेबस के बारे में, और इनमें से मुझे पता है लगभग 80-90% चीजें आप पहले से रीड आउट कर चुके होंगे, ठीक है। अब देखेंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी में अभी बता सकता हूं मैं आप लोग को बहुत ध्यान से, इसमें बस कुछ मत कीजिएगा। अगर आपके पास महेश बर्णवाल की बुक हो, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, क्यों मैंने कहा ना होगी आपके पास, आप पहले से पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सही बुकें कौन सी है। अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखा जाए तो 6 से लेकर 12 तक काम की आज तक इस पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर सब नहीं पढ़ा है तो आप 9th से लेकर 12 तक तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ठीक है, अरिहंत की बुकें भी आती हैं आप लोग की, वो आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा बुकों के। हाँ, इसके साथ साथ जो भी चीज पढ़ेंगे उसको मैप में फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैप वाले क्वेश्चन आपके लिए अक्सर आ रहे हैं, उसको जोड़ के पूछ रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे इसमें आ जाएगा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक, वॉल्केनिज्म, ठीक है, अर्थक्वेक, ये सभी आ जाएगा, अर्थ ओरिजिन कुछ थ्योरियां आ जाएंगी। इसके बाद आ जाएगा आपका लैंडफॉर्म आ जाएगा, माउंटेन आ जाएंगे इसमें, ये सारी चीज, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आ जाएगी इसमें, क्लाइमेटोलॉजी में ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेयर ऑफ एटमोस्फियर, इसके अलावा हो जाएगा हीट बजट, इसके अलावा विंड और प्रेशर बेल्ट, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, हो जाएगा ओशनोग्राफी, इसमें या ओशन रिलीफ टाइड्स हो जाएंगे, सैलिनिटी हो जाएगा, ओशन करंट हो जाएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी में यहां पे जो ट्राइब्स हैं वो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, आप 12th की बुक पढ़ सकते हैं इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी नाम से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आ जाएगी, इसमें कई सारी चीजें आए, आर्थिक में आ जाएगा आप लोग का, रिसोर्स आ जाएंगे, मिनरल्स आ जाएंगे इसमें, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएंगे, वर्ल्ड में 7 जो कॉन्टिनेंट हैं उनको मैप के थ्रू देख लीजिएगा, इसके लिए ऑक्सफोर्ड की आती है, ऑक्सफोर्ड की मैप आती है या एटलस आती है उसको फॉलो कीजिए, वो भी ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट फॉलो कीजिएगा, स्टूडेंट वाला काफी अच्छा है, स्कूल वाला मत कीजिए, उसमें बहुत मिक्स कर दिया चीजों को, तो वो कीजिए, मैप को कैरी करके चलिए, उसको पढ़ते रहिए, इससे आपकी चीजें काफी आसान होने वाली है, ठीक है। अब आते हम लोग ये हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आप लोग का लोकेशन, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें पढ़ेंगे इंडिया की लोकेशन बाउंड्रीज वाले क्वेश्चन, कि पाकिस्तान से कौन से स्टेट बाउंड्री बनाते हैं, नेपाल से कौन से बनाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आइलैंड, कोस्टल प्लेन, ये सभी।
फिजिकल फीचर हिमालया वगैरह, प्लेट्यूस वगैरह, कोस्टल प्लेन, अपवाह तंत्र मतलब होता है रिवर सिस्टम हो गया आपका, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसोसियस फॉरेस्ट, सब्स होगी, झाड़ियां होगी, पॉपुलेशन से क्वेश्चन आते हैं, इसको हरियाणा के प्रोस्पेक्टिस में देखिएगा, ट्राइब्स कौन सी वहां पर, सेटलमेंट, अर्बनाइजेशन, ये वहां के लोकल चीजों से जोड़कर पढ़िएगा आप लोग, रिसोर्स में रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये आप लोग एट्थ क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, वहां से चैप्टर दे रखा है, काफी अच्छा है, या ट्वेल्थ क्लास से भी पढ़ सकते हैं, दोनों से पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी यहां पे प्रिफर कीजिएगा, वहां से क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, क्वार्नरी, अब पांच हो गई है, पहले केवल तीन एक्टिविटी को शामिल किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अब क्वार्टनरी आ गई है, क्वार्टनरी भी आ गई है, चतुर्थ और पांचवा। चतुर्थ में क्या होता है क्वार्टनरी में, इसमें होता है रिसर्च वर्क, इन्वेंशन, साइंटिफिक एक्टिविटी। फिफ्थ में क्या होता है लीगल एडवाइजर, ठीक है, पॉलिसी मेकर। एग्रीकल्चर में देखेंगे इंडस्ट्री, हमारे इंडिया में कौन कौन सी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, ऐसी बहुत सी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम किसे बोलते हैं, बैंगलोर को, वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली हम किसे बोलते हैं, कैलिफोर्निया को, ऐसी ट्रांसपोर्ट हम पढ़ेंगे, इस समय नेशनल हाईवे के नाम चेंज कर दिए गए हैं, जैसे पहले जो 2 था वो 19 हो गया है, पहले जो 5 था वो 16 हो गया है, पहले जो 8 था वो 48 हो गया है, ऐसे बहुत सारे, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, इसके लिए आप लोग को करना क्या है, आप लोग को करंट की जीए चल रही है, करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या अनाउंस की है कोई प्रोजेक्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाईवे बहुत अच्छे से काम कर नितिन गडकरी के अंडर में, तो उनका डेवलपमेंट काफी अच्छा है, इसमें इस सरकार में काफी शानदार काम कर रहे हैं, तो उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कर रही है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे है, इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे, जो नए डेटा से आप इसको जोड़ के पढ़िएगा। इंडिया में जैसे सबसे छोटा नेशनल हाईवे, इसमें 327B है, ये कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, पहले आपने पढ़ा होगा 47A, इसको भूल जाइए। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी ध्यान दीजिए, जैसे नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं, मैनमेड क्या होते हैं, इसमें सेंट्रल लेवल पे चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट पे चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो आप बनोगे आगे चल के। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, डाइवर्सिटी, इसको बहुत छोटे मध्य, इसमें पूरा इकोलॉजी आ जाएगा, और ज्योग्राफी के साथ अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन जोड़कर पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आ जाएगा इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इसमें फूड चेन, फूड वेव आ जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड आ जाएगा, पॉल्यूशन आ जाएगा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंटरनेशनल कन्वेंशन, कई सारी चीजें आ जाएंगी। इसके लिए शंकर पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं आप लोग, या इसके लिए इग्नू की बुकें आप देख सकते हैं। तो ज्यादा बुकों के चक्कर मत पढ़ना, फिलहाल शंकर पब्लिकेशन की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। इसमें देखेंगे इंडियन रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे आप लोग, भारतीय साहित्य के बारे में, यानी ये आर्ट और कल्चर का पार्ट है ये। इसके लिए एक सबसे फेमस और शानदार बुक आती है नितिन सिंघानिया की, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी आती है, इंडियन कल्चर के नाम से,
वो आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक है। एंशियन आर्किटेक्चर जैसे नागर शैली, बेसर शैली, ड्राविड शैली, सिनेमास हो गए, इंडिया के फेस्टिवल हो गए, ये सारी चीजें, जैसे सोरो फेस्टिवल कहाँ होता है, सूरज कुंड मेला के बारे में पढ़ लीजिए, किस जिले में होता है, उस बार की थीम क्या है इसकी, किस मंथ में होता है, कौन सा पार्टनर स्टेट था, कौन सी पार्टनर कंट्री थी, फोकस स्टेट कौन सा था, ये सारी चीजें पूछ सकते हैं आपसे। अब ये आ गया पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में देखेंगे एक ही बुक पढ़ना है, लक्ष्मीकांत की, अच्छी बुक है, क्वेश्चन आज भी वहां से आ रहे हैं, कहीं भटकना नहीं है, मोर एंड मोर टाइम पढ़ चुके होंगे, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वही एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह वो पढ़ना है। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है, फीचर क्या है, क्वासी फेडरल है, फेडरल है, इसको किसने दिया था, और यूनियन स्टेट के बारे में, जैसे इसमें भारत नाम कहा जा रहा है तो इसको बड़ा डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइंस हो तो वो देख लेंगे, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी, डीपीएसपी हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक रहे हैं, यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आप लोग को, तो इन टॉपिक को भी ध्यान रखना है आप लोग को। अब इसमें देखेंगे अमेंडमेंट कितने हुए हैं, ठीक है, यूटी क्या, दिल्ली और केंद्र सरकार का डिस्प्यूट देख लीजिएगा इसमें, इसमें कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, 239 है, ट्राइबल एरिया को कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, इनमें क्या क्या हुआ, ट्राइबल काउंसिल कौन सी होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे हो गया इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसमें यूपीएससी हो गया, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होगी, जैसे योजना आयोग पहले थी, अब नीति आयोग हो गया, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, स्टेटरी बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है नीति आयोग, और कॉन्स्टिट्यूशनल का एग्जाम्पल है आप लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेटरी का एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे पब्लिक सर्विस, यूपीएससी ट्रिब्यूनल, जब आप सर्विस में आओगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ट्रिब्यूनल में जाओगे, इसे कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, ट्रिब्यूनल, इलेक्शन अभी चर्चे में ही है, इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनाने की बात हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पावर से चेंज कर दिया है, इस डिस्प्यूट को, इसके क्लॉज को देख लीजिएगा, तो जो चीज चर्चे में रही है उसको उसको ओवरलुक नहीं करना है, ठीक है। और भी पब्लिक पीआईएल के बारे में वो आप देख लेंगे इसमें, बाकी मिसलेनियस टॉपिक है। अब आते देखो, ये इकोनॉमिक का है, इकोनॉमिक पढ़ने के लिए बेसिक टॉपिक वही है, आप देख सकते हैं इसमें, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, पालमपुर की स्टोरी है, वहां से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा 11, 12 की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़ लेंगे, इसके अलावा रमेश सिंह की बुक काफी अच्छी है, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग, नेशनल इनकम क्या होता है, प्लानिंग और डेवलपमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा में भी, ये सारे में, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये सारी चीजें, क्योंकि इस समय इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये हमारे फेवर में है। ये देखो वही टॉपिक हो गए ज्योग्राफी वाले, लेकिन इसको हम इकोनॉमिक के प्रोस्पेक्टिस में देखेंगे, जैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मनी बैंकिंग, आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई बहुत चर्चे में है तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, फॉरेन ट्रेड, रूपी का डीवैल्यूएशन आप देखेंगे, डॉलर मजबूत हो रहा है, घट रहा है, इसके क्या फायदे होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे,
लिबरलाइज एलपीजी पॉलिसी ये देख लेंगे, 1991 के रिफॉर्म के बाद इंडिया को क्या बेनिफिट मिले, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सभी के बारे में हम समझेंगे, इनके रोल क्या हैं, ठीक है, संस्थाएं बता दी मैंने आप लोग को इसमें इंटरनेशनल, सोशल इंक्लूजन गरीबों को शामिल करना, उनके हक की बात करना, सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की इसमें योजनाएं पढ़ लें जरूर से इकोनॉमिक्स में, बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक होंगे उसकी बात करेंगे हम। अब देखेंगे साइंस में, क्योंकि साइंस में मैं जो बुकें बात करूंगा एनसीईआरटी का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन अब समय नहीं है, तो एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग सॉरी जो एक बुक आती है लूसेंट की, लूसेंट की साइंस आती है अलग से, ये बहुत कम लोग जानते हैं, वो पढ़ सकते हैं, अभी के लिए वहां से क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे, ठीक है, इकाई, वर्क फोर्स, ये सारी फिजिक्स, ठीक है, लाइट का चैप्टर, मैग्नेटिज्म हमेशा आता है, इसके अलावा परमाणु, इनकी विशेषताएं, रिएक्शंस हो गए, एसिड बेस न्यूट्रल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में आता है ये, मेटल नॉन मेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके लिए मैंने कहा लूसेंट की बुक पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, और बाकी अरिहंत की कुछ बुकें आती हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं। और मॉक भी लगाइए आप लोग, बायो देखो साइंस में अगर मान लेते हैं मैं कह रहा हूं 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, तो मान चलिए 10 उसमें अकेले बायो से आएंगे, ठीक है, तो बायोलॉजी में सेल्स पढ़ लेंगे, जेनेटिक्स पढ़ लेंगे, इवोल्यूशन देख लेंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन देख लेंगे, ये सारे टॉपिक आपके लिए, बायोलॉजी खैर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एनिमल प्लांट ये सब देख लेंगे, हेल्थ एंड डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेंगे, एग्रीकल्चर साइंस बहुत चर्चे में है, बॉटनी जूलॉजी में जो डिफरेंस है इसके जो पार्ट्स हैं सेक्शंस हैं वो देख लेंगे, अब देखो ये हो गया टेक्नोलॉजी, ये आप पुरानी बुकों से नहीं पढ़ेंगे, सर कहां से पढ़ेंगे, इसके लिए आप लोग कोई भी YouTube पे बहुत सारे चैनल पर डे प्रिलिम्स के नाम से निकालते हैं पीटी स्पेशल क्लास, जैसे प्लिम बूस्टर हो गया, कुछ ऐसे टाइप के हो गए, द हिंदू पेपर से, इंडियन एक्सप्रेस से, तो ये चीज चर्चे में रहती, जैसे AI चर्चे में है, सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें, तो ये आप देख लेंगे जरूर से, तो इसे इंडिया ने कौन सी मिसाइल डेवलप की, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में, फूड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे आदित्य L1 ने अपने काम करना स्टार्ट कर दिया है, चंद्रयान, मंगल मिशन जो भी है, ये सारे गगनयान मिशन, इसके बारे में चर्चा करें, पढ़ लीजिएगा, ये वही टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, अब देखो ये हो गया आपका स्टैटिक और करंट अफेयर, ये तो आप लोग कोई भी स्टैंडर्ड बुक ऐसे की इंडिया आती है, मनोरमा की आती है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये देख लेंगे हम, यूनाइटेड नेशन, आसियान, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, इसमें एक और जोड़ लीजिए बीमस्टेक, जिसमें इंडिया फोकस कर रहा है,
नेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, पॉलिसी और मिनिस्ट्रीज आप देख लेंगे इसमें, और करंट अफेयर पढ़ते जरूर ही आप लोग। ये कौन से टॉपिक है, ये आपके स्टैटिक्स बोलते हैं, इसके लिए लूसेंट भी फॉलो कर सकते हैं। जो इस टाइप की स्टैटिक जीके कोई बुक आएगी, फेमस पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, मिसलेनियस स्टेट, जो हरियाणा का करंट अफेयर होगा उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल कौन प्रेसिडेंट बना है, जैसे मलोनी अभी इटली की बनी है, तो इंडिया में ये काफी आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए जो चर्चे में रहेगा, अब ये मैंने पहले बता दिया आपको, अब मेडिवल काल, मध्य, ये हम पहले बता चुके हैं हिस्ट्री के बारे में डिटेल में, ज्योग्राफी के बारे में वर्ल्ड बता दिया, मैप के थ्रू पढ़ना है आप लोग, ये मैंने पहले बता दिया, सारे सब्जेक्ट बता चुका हूं मैं, ये ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट बता दिया मैंने, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये सारे वही टॉपिक हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, पॉलिटी के सारे टॉपिक हो गए आप लोग के, इकोनॉमी के हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो मैंने भी बताया आप लोग को, करंट अफेयर कम से कम 6 महीने नहीं, मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, 9 से लेकर 12 महीने ये बढ़ा लीजिए। अब क्वेश्चन का लेवल टफ आ रहा है। स्टैटिक्स में क्या हो जाएगा आपका, जो फिक्स है वो कर लेंगे आप लोग। देखो चो, इसमें अरिहंत की कुछ स्पेशल बुकें भी हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा का देखो, हरियाणा का अलग से बुक आती है, वो आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिस्ट्री के भी है और मॉक भी है इसमें, तो सब कुछ है। इस समय कमरे में बंद होकर एक दिन किताबें लाकर जुड़ जाइए, और ऑनलाइन का जमाना भी, ऑनलाइन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छो, तो ध्यान रखेंगे इस वीडियो को एज ए अप्रोच, यहां मैंने बहुत कुछ नहीं बताया आप लोग को, लेकिन इतना बता दिया कि एग्जाम कैसे क्रैक होगा। मैंने आपको बहुत सारी किताबों के दाम नहीं बताए, मैंने कहा जितना भी है आप उसको पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, मैं लक्ष्मीकांत लूसेंट की साइंस मैंने की, स्टैटिक जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए ऑनलाइन यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं आप। इसके अलावा इस पे और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को मिलेंगी टॉपिक वाइज। उसके अलावा आप लोग अरिहंत की किताबें फॉलो कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत फॉलो कर सकते हैं, महेश वर्णवाल की फॉलो कर सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी, जीसी लियोंग हो गया, तो कई सारी किताबें हैं इसमें, ठीक है। एनसीईआरटी पालमपुर की स्टोरी, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स से पढ़ सकते हैं, साइंस टेक में स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं, तो कई सारे ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है बच्चों। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली इस क्लास ने आपकी सफलता में बहुत सहयोग करेगी, तो इसलिए इस क्लास को देखिए, इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।